पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा। मैं झुकेगा नहीं साला। तेरा तो बाप भी झुकेगा, तू सबर तो रख, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरे अच्छे भी झुकेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वही 800 करोड़ आबादी वाली इस दुनिया में हर रोज हजारों लोग जन्म लेते हैं और इसी के साथ आए दिन ऐसे अतरंगी नमूनों की संख्या भी बढ़ती जाती है जो कि अपने मजेदार कारनामों से हमें हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। हर बार की तरह इस बार फिर से हम आपको हंसाने, गुदगुदाने और आपके टेंशन को मीलों दूर भगाने के लिए कुछ ऐसी मजेदार फनी वीडियोस लेके आए हैं जिन्हें देख के भैया आप हंसते हंसते दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो भैया देखो, वीडियो काफी ज्यादा फनी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे संग आप एंड तक जरूर बने रहें। अब आपको हंसाने की गारंटी भाई हमारी है, तो आइए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों हर रोज सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा धूम मचा रहा है। वीडियो में ऐसा देखा गया है कि एक नाई अपने ग्राहक के गले में चादर लपेट रहा है जो कि उसके सलून में अपने बाल कटवाने आया था। वहीं पर बगल में एक और दूसरा ग्राहक बाल कटवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। साथ ही वो मोबाइल से नाई का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें वो बाल काटने वाला है। लेकिन जैसे ही भैया पहले ग्राहक के बाल काटने के लिए नाई उसके सर पर बंधे दुपट्टे को हटाता है तो पता चलता है कि ये तो गंजा है। अब भाई नाई इसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने समय बर्बाद करने के लिए इस टकले की टकली में कैसा टकला बजाता है जिसे देखकर इस दूसरे ग्राहक की तो भाई हंसी ही नहीं रुकी। जरा देखिए, दोस्तों आपने मॉडलिंग के कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें लड़कियां मॉडलिंग करते हुए अपने अलग अंदाज में चलती हैं। अब कुछ उन्हीं वीडियोस में से एक ये भी है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक लड़की अपने अलग अलग लुक में चलते हुए मॉडलिंग कर रही है जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो लड़कियों की बात है, अगर इसी टाइप की मॉडलिंग लड़कों से करवाई जाए तो भैया उनकी मॉडलिंग कुछ इस टाइप से होगी जिसके सामने लड़कियां भी कुछ नहीं। जरा देखिए तो। हाय हाय, सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों छोटे बच्चे अक्सर स्कूल का नाम सुनते ही आंसुओं की गंगा बहाने लगते हैं। अब कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी देखने को मिला इस वीडियो में। स्कूल का नाम सुनते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इस बच्चे की मम्मी इसे कहती है कि खुदा से प्रार्थना करो कि 15 तारीख से स्कूल खुल जाए। अब अपनी मम्मी के कहे अनुसार बच्चा पूरी प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही 15 तारीख को स्कूल खुलने वाली बात आती है तो ये नहीं नहीं करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। जरा देखो, अच्छी सी ऐसे। चलो अब हाथ उठाओ दुआ के लिए, बोलो ऐ अल्लाह मैं दुआ करता हूँ के 15 तारीख को स्कूल खुल जाए। चुप करो, तुम नहीं चाहते स्कूल खुले। भैया आपने YouTube पर डांस के ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें डांस सिखाया जाता है। अब कुछ उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो ये भी है जिनमें हम देख सकते हैं कि ये बैली डांस कर रही है जो कि दिखने में काफी ज्यादा रोमांचक लग रहा है। अरे जरा देखो तो। अब भैया इसी रोमांचक डांस से इंस्पायर्ड होकर हमारे एक भाई बंधु ने सोचा कि अगर ये बैली डांस कर सकती है तो मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं, मैं भी कर सकता हूं। और भाई यही सोचकर इन्होंने ऐसा डांस किया गुरु, ऐसा डांस किया कि क्या ही कहने। हां देखो, क्या बात है सर।
कुछ चुनिंदा लड़के होते हैं जो कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं, वरना बाकी सब तो आप जानते ही हो, मुझे बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा एक नजर इस क्लिप पर भी डाल लीजिए। वीडियो में ऐसा देखा गया है कि टीचर के क्लास में ना होने पर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे, तभी कुछ शैतान लड़कों ने मौके का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट ऑन कर दिया और उस पर अंजलि अरोड़ा का फेमस वीडियो कच्चा बदामी बदामी कच्चा पूरी क्लास के सामने चला दिया। देखिए भाई, जब पहली बार हम अपने रिश्तेदारों या फिर दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं तो भैया रास्ते का बड़ा चक्कर पड़ता है ना, वो हमें अपना पता बताते हैं लेकिन भाई हमें घर मिलता ही नहीं। हम पूछते रहते हैं सबसे, अरे भाई वो जो एड्रेस है वो बता दो कहाँ पे है। अब कुछ ऐसा ही इन भाई साहब के संग भी हुआ, ये किसी का पता ढूंढ रहे थे लेकिन इनको मिल ही नहीं रहा था। फिर एंड में परेशान होकर ये सामने वाले अंकल को कॉल करके कहते हैं कि भाई कहाँ है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। इतने में सामने वाला इनसे इनकी लोकेशन पूछता है कि अभी आप जिस जगह पर खड़े हैं उसका जरा मुझे नाम बताइए, मैं अभी वहां आता हूं। लेकिन जैसे ही एड्रेस बताने के लिए बोर्ड की तरफ देखते हैं तो भैया जगह का नाम देखकर इनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। जरा आप भी देखिए कौन सी जगह खड़े हैं ये। हेलो, आप कहाँ है भाई? भैया इधर खड़ा हो। दोस्तों आजकल बॉडी बनाना लोगों के लिए जैसे फैशन सा हो गया है। सोशल मीडिया पर बॉडी बिल्डर्स की थोड़ी सी वीडियोस देखते ही लोग उनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि भैया अगले दिन से वो लोग सीधा अपने दोस्तों के संग जिम पहुंच जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही इन महाशय का भी हाल है, बॉडी बिल्डर्स की वीडियो देख देख कर इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने भाई जिम ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन कर लिया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा आप इनके एक्सरसाइज करने का ढंग तो देखें। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कल ही खली भैया को चुनौती देने वाले हैं कि आ जा हो जाए जरा दो तो हाथ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। दोस्तों आपने बचपन में कभी ना कभी तो भाई मोटू पतलू देखा ही होगा और बहुत सारे तो मेरी तरह अभी भी देखते होंगे, है ना। वैसे देखे भी क्यों ना, आखिर मजा जो इतना आता है यार। और सबसे ज्यादा मजा तो भाई उस टाइम पे आता है जब अपने मोटू भैया चाय वाले के सामने समोसा खाकर जॉन दी डॉन की सुताई करते हैं। आहा, क्या आनंद आता है उस टाइम पर। खैर चलो भाई ये तो कार्टून शो की बात है, लेकिन जरा आप इन नन्हे से जनाब से मिलिए जो कि अपनी फुरफुरी नगरिया में जॉन दी डॉन बने फिर रहे हैं। जरा देखो, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, अंधेरी रात में फुरफुरी नगर की सड़कों पे एक डॉन। देखो भाई प्यार वफा सब धोखा है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। कर दिया लाइक, वाह 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 जी क्या बात है। हाँ तो भाई मैं कह रहा था कि प्यार वफा सब धोखा है। देखो यार प्यार होता है, थोड़े दिन चलता भी है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बीच में यार दूरियां आने लगती हैं, एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और कभी कभी तो एक दूसरे से भाई इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि ये सब देखने को मिलता है। सोचो इस लड़के को अपनी जीएफ से कितनी नफरत होगी, उसके नाम का बर्थडे केक कुत्तों को खिला रहा है, भाई साहब बहुत तकलीफ हुई भाई को। दोस्तों लड़का लड़की भाई कुछ नहीं होता, सब एक समान होते हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और काम कर सकती हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो लड़कों का काम भी बंद करवा सकती हैं। जी हाँ, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस क्लिप को देखकर कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभी दो थैले लगे हुए हैं जिसमें से एक इस लड़के का है और दूसरी साइड में लड़की का। दोनों के पास सेम चीज है, लेकिन फिर भी सारे लोग उसी लड़की के केले के पास मंडरा रहे हैं और ये बेचारा उन लोगों को देखते हुए अपने थैले से मक्खियां भगा रहा है। और यही लोग कहते हैं कि लड़का लड़की सब एक समान है। अब बताओ भाई तुम्हारा न्याय कहाँ गया है, समानता का बड़े आय कहने वाले। दोस्तों रोड पर ट्रैफिक लगते ही सबसे ज्यादा किसकी आवाज सुनाई देती है? अरे मैं उस किसकी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किसकी आवाज। एकदम सही पकड़े, अरे गाड़ियों के हॉर्न की। अगर आप भी दूसरों की तरह ट्रैफिक लगने पर पॉप करते हैं तो जरा आप इस रिक्शे वाले से मिल लीजिए जिसने ट्रैफिक में बेवजह हॉर्न बजाने वालों के गाल पर एक कस का तमाचा मारा है।
वही इसने अपने रिक्शे के पीछे क्वेश्चन लिखवा दिया कि ट्रैफिक में हॉर्न बजाने से क्या होता है। ऑप्शन, लाइट जल्दी ग्रीन हो जाती है, सड़क चौड़ी हो जाती है, गाड़ी उड़ने लगती है, या फिर कुछ नहीं। वैसे आपका जवाब क्या है, लोग ट्रैफिक में अक्सर जो हॉर्न बजाते हैं वो क्यों बजाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।